बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, न्यू हॉलैंड 3600 देख सकते हैं दोस्तों, धमाकेदार परफॉर्मेंस भाई साहब, पूरा लीवर डाउन, पूरा कल्टीवेटर बैठा हुआ है देख सकते हैं, गजब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लेकर के आए हैं न्यू हॉलैंड का एक बहुत ही ज़बरदस्त एक और धमाकेदार ट्रैक्टर जो है न्यू हॉलैंड 3600 हेरिटेज एडिशन। ये ट्रैक्टर सामने से जो किसान भाई आपको दिखाई दे रहे हैं इन्होंने हाल ही में ख़रीदा है। आज हम बात करने वाले हैं इस ट्रैक्टर को इन्होंने कितने में ख़रीदा, इस ट्रैक्टर से पहले कौन सा चलाते थे, आखिर इसी ट्रैक्टर को इन्होंने क्यों ख़रीदा, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और किसान भाई से भी आपको मिलवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह की वीडियोस आप आगे भी जल्दी से जल्दी देख सको। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकल जी, हमारे जो किसान भाई आपको पहली बार देख रहे हैं उनके लिए एक छोटा सा अपना परिचय दीजिए। हाँ, नाम, अपना नाम और पता बताइए। हाँ, विनोद कुमार शर्मा, सरासोल का रहने वाला हूँ, जिला बदायूं, तहसील बिलती। जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। तो अंकल जी थोड़ा सा बताइए, जैसे ये जो ट्रैक्टर आप लेकर के आए हैं कितने दिन पहले आपने लिया है ट्रैक्टर? ये इसको एक हफ्ता हुआ है, केवल एक हफ्ता हुआ है अभी, एक हफ्ता हुआ है। तो इससे पहले आप कौन कौन से ट्रैक्टर, थोड़ा सा अगर बात करें जैसे ट्रैक्टर हिस्ट्री के बारे में, तो कितने साल से आप ट्रैक्टर चला रहे हैं लगभग? हम तो एस्कॉर्ट चला रहे हैं, सोनालिका भी चलाया, मगर इसका माइलेज कम है इसलिए हमने ये लिया है 4x4 आलू के लिए। इसका डीजल आपको अच्छा लगा? डीजल कम खाता है इसलिए आपने इसको लिया। अब जैसे बात करें, जैसे आपने एस्कॉर्ट चलाया तो एस्कॉर्ट कितने साल चलाया लगभग आपने? एस्कॉर्ट तो हमने चलाया 24 साल। 24 साल आपने चलाया, ठीक है। सोनालिका आपने कुछ समय वो भी चलाया? कुछ समय सोनालिका भी लिया। अच्छा, अब अगर जैसे बात करें एस्कॉर्ट में भी आप जा सकते थे? हाँ, एस्कॉर्ट में भी पावर ट्रैक है, फार्म ट्रैक है, इसमें भी बड़े मॉडल आते हैं, 4x4 भी आते हैं। तो आपने उस पर ना जा करके ये हॉलैंड चुना है, इसके बारे में थोड़ा सा किसानों को बताइए, क्योंकि जैसे आपने ट्रैक्टर खरीदा है बहुत सारे किसान हमारे ऐसे हैं जो इसी रेंज का ट्रैक्टर लेना चाहते हैं, 4x4 भी रहे और आलू के काम के लिए लेना चाहते हैं। दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, किसान भाई हमारे आलू के किसान हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू करते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जैसे बहुत सारे किसान ऐसे होते हैं आप ही की तरह अंकल जी, जो ट्रैक्टर लेना चाहते हैं आलू के काम के लिए, आलू की मशीन खोदने वाले भी और गाड़ने वाले भी सारी चला सके, सारे काम कर सके, ये सारे काम करेगा। हाँ, जरूरत पे ट्रॉली भी चला सके, खिंचाई लोड पे चलाओ, चढ़ाई पे भी हमारा ट्रॉला लेके चला जाए। तो थोड़ा सा बताइए कि पावर ट्रैक, फार्म ट्रैक पे ना जा करके आपने हॉलैंड चुना, इसके पीछे की वजह बताइए थोड़ा। इसकी पहली तो वजह ये है डीजल कम खाता है, डीजल। हाँ, दूसरी बात इस पे कितनी भी अंदर को जुताई करना चाहो वो भी कर सकता है अकली। अच्छा, जितनी अकली जुताई करनी चाहो उतनी भी गहरी जुताई चाहो। हाँ, और आलू के लिए अकली की जुताई पर्याप्त है, मिट्टी अधिक होना चाहिए। जी जी जी, अधिक होना चाहिए, इसी वजह से हमने ये ट्रैक्टर 4x4 लिया है। जी जी, जैसे और इसका अगला गियर जब डालोगे, अगला गियर डालोगे तो आप कितनी भी जुताई करो, जब चाहो तब उतने पे मुड़ाना चाहो उतने पे ही मुड़ाएगा, जहाँ मुड़ाना चाहो जहाँ जाते लेना चाहो उतने पे ही आता है ये 4x4। जब जी दूसरा गियर पड़ता है अगले पहियों का, तब आप जब जितने मुड़ाना चाहोगे उतने पे ही मुड़ाएगा ये। मतलब कहने का ये है कि 4x4 मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं गहरी जुताई कर सकूं, जितना चाहूं उतना गहरी जुताई कर सकूं। और दूसरा कारण ये था कि मैंने डीजल का, अच्छा डीजल आप बता रहे हैं, तो डीजल आपके गाँव में हॉलैंड न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर चल रहे हैं और भी आपके जो किसान चला रहे हैं उनसे बात करी आपने? हाँ, न्यू हॉलैंड चल रहा है, मगर 4x4 नहीं है अभी, 4x4 इसलिए लाए कि ये जहाँ विशेषता है कुछ। हाँ वो तो ये, हाँ जो भी चीज़ रोटावेटर है, कंप्यूटर है, इसे कोई भी साथ चला सकते हैं। हाँ हाँ, मतलब ये कभी भी ये नहीं है कि ट्रैक्टर आपका घुट जाए या बंद हो जाए जुताई करते टाइम पे। हाँ, कितना भी गहरी जुताई कर लो, कितना भी अपना जो है लोड इस पे लगा सकते हो आप। तो अब जैसे आपने जैसे ट्रैक्टर के लेने का विचार बनाया, तो आपने शुरुआत से ही न्यू हॉलैंड लेने का मन था या कुछ और भी देखा आपने? जैसे देखते तो हैं अपन, ट्रैक्टर लेते हैं तो बहुत सारी कंपनियों के जाते हैं ट्रैक्टर देखते हैं, तो पहले से ही न्यू हॉलैंड लिया या फिर कुछ देख और भी देखे थे? और भी देखे थे, हमारे यहाँ चल रहा है सादा में, चल रहा है सादा में। हाँ, सादा में चल रहा है, उनका भी माइलेज अच्छा है। सादा मतलब कौन सी कंपनी के? जैसे 3600 है। अच्छा, न्यू हॉलैंड की? न्यू हॉलैंड की। ओके। और हाँ जी, वो कहते जो और ट्रैक्टर है इनका डीजल का कुछ माइलेज ज्यादा है। ओके। हाँ, मतलब आपने और ट्रैक्टरों के बारे में दिमाग में सोचा नहीं था? सोचा कि मुझे नहीं, हम तो हॉलैंड में ही लेना था। हाँ, डायरेक्ट इसी पे गए हम। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो आपके संपर्क में जो लोग हैं उनसे आपने बातचीत करी होगी। हाँ, जो हॉलैंड चला रहे हैं तो उनके माध्यम से पता लगा कि भाई। हाँ, माइलेज इसका अच्छा है, सबसे बढ़िया है। हाँ,
अच्छा ठीक है, अब माइलेज की बात हो गई। अब जैसे बात कर लेते हैं थोड़ा सा ट्रैक्टर की कीमत के बारे में, और कंपनी के ट्रैक्टर्स आपने कीमतें जानी होंगी, जैसे जॉन डियर हो गया, और भी कंपनियां होती हैं, और तो उनकी कीमत में और इसमें कीमत में ठीक है कीमत? इसकी कीमत में करीब 50,000 का डिफरेंस ही है। अच्छा। 9.25 लाख के सब बताए, ये हमें 8,70,000 का पड़ा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब लोग कहते हैं कि भाई हॉलैंड ट्रैक्टर महंगा है, महंगा है। बताइए दोस्तों, आपके सामने किसान बता रहे हैं कि और ट्रैक्टर इनको 9.25 लाख रुपए के मिल रहे थे, 4x4 में इसी रेंज के, लेकिन ये ट्रैक्टर मैथी पे भी गए, जॉन डियर पे भी गए। अच्छा, 9.25 से किसी ने कम नहीं बताया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज़ है। देखिए ये चीज़ होती है, अब आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सा ट्रैक्टर लेना चाहिए। वैसे हवा बना दिया है कि हॉलैंड बहुत महंगा ट्रैक्टर है, ये है वो है। आप सोचिए आपके सामने है दोस्तों 8,70,000 में इस ट्रैक्टर को लेकर के आए, 4x4 टॉप मॉडल है। इसमें आप चाहो तो कैनोपी भी मिल जाएगी आपके लिए, डबल ऑक्सिलरी वॉल्व है, मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा जब एंड में वीडियो के लिए। डबल ऑक्सिलरी सेटअप लगा हुआ है, शटल शिफ्ट ट्रैक्टर है, आगे आप शटल से इसी गियर से आगे, वो आपको सारी चीज़ बताऊंगा। अच्छा अंकल जी, थोड़ा सा जैसे हमारे किसान भाई इस ट्रैक्टर को लेना चाह रहे हैं, तो ट्रैक्टर लेने का उनका मन है, तो आप अगर ये ट्रैक्टर आप चलाया, कितने घंटे लगभग चला दिए अब तक? अभी तक तो 25-30 घंटे चलाया। अच्छा, अभी हाँ एक हफ्ता हुआ है, क्योंकि काम भी इनका दोस्तों आलू का लग हो गए, लग चुके थे, आलू लग चुके, उसके बाद दिया है लोन। हाँ दोस्तों, थोड़ा सा ये इनका ये हो ट्रैक्टर बुकिंग तो बहुत टाइम से था, लेकिन थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, इसकी वजह से जो है ट्रैक्टर जो है थोड़ा डिले हो गया, आलू लगाने लग चुके हैं इनके, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। फिलहाल अब जैसे किसान भाई अगर कोई लेना चाहे तो आप उसको सलाह देंगे इस ट्रैक्टर को लेने के लिए? सलाह क्यों नहीं देंगे, लेना चाहिए, लेना चाहिए काम बढ़िया। दोस्तों देखिए, कोई भी किसान ट्रैक्टर लेना चाहता है तो हमारे अंकल जी भी बता रहे हैं उसको ट्रैक्टर ये ले सकता है, आंखें बंद करके इस पर जा सकता है। प्राइस भी ये बढ़िया है, माइलेज भी बढ़िया है, काम भी बढ़िया है, सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं। अब और अपनी तरफ से कोई चीज़ अंकल जी बताना चाहें हमारे किसान भाइयों के लिए? अरे 50 हॉर्स पावर है उसमें, कुछ कहता कितना भी लोड लो इससे कोई अंतर नहीं है, जितना लोड लेना चाहे, हमने बहुत लोड ले लिया, हमारे इस पे अंतर कोई नहीं है, अपना काम करता है ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं है कि भाई हमारे ट्रैक्टर पे ये सोचने मजबूर होने पड़े कि ट्रैक्टर थोड़ा बड़ा होता तो अच्छा होता, ये कोई बात नहीं है। अच्छा हाँ, ये तो बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है, तो कोई पूरी तरह से XYZ कोई काम कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, तो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं इससे? पूरी तरह संतुष्ट है। अच्छा चलिए, बहुत अच्छी बात है, संतुष्ट ही होना चाहिए। और थोड़ा सा अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जैसे इसमें शटल दे रखा है, ये आप देखें ना, टॉप मॉडल ट्रैक्टर है, ये चीज़ आपको किसी भी कंपनी के ट्रैक्टर में नहीं मिलेगी, इस रेंज के ट्रैक्टर में आपको नहीं मिलेगी शटल जो इसमें दे रखा है, ठीक है जी। अगर जॉन डियर पे आप जा रहे थे तो ये चीज़ थी जॉन डियर में? जॉन डियर में नहीं, जॉन डियर में ये चीज़ नहीं थी, नहीं है। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे जॉन डियर में शटल नहीं था, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट PTO क्लच भी दे रखा है, और लो हाई मीडियम का ट्रैक्टर, साइड में गियरबॉक्स है पूरा देख सकते हैं, और जो इसका फ्रंट एक्सल है वो बिल्कुल सील्ड है, बबल पिनियन वाला करारो का एक्सल है, और जिसमें किसी भी तरह का कोई इसमें लीकेज का टेंशन नहीं है, ना पानी वानी जाने का कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे बैरिंग टूट गया या कुछ ऐसा नहीं है, देख सकते हैं पूरा इस तरह का पूरा सेटअप आपको देखने को मिलेगा ट्रैक्टर में। और अगर थोड़ा सा मैं पीछे से आपको दिखाऊं ट्रैक्टर के लिए, तो पीछे से आपको देखिए पूरा सेटअप आपको टॉप मॉडल वाला मिल जाएगा, मतलब कोई भी फीचर की कमी नहीं मिलेगी आपको, डबल ऑक्सिलरी सेटअप है। देखिए आपको अगर प्लाव चलाना है या आपको माजा चलाना है तो वो भी आप आराम से चला सकते हैं, स्ट्रेट एक्सल है, किसी भी तरह का लीकेज का टेंशन नहीं है, ना आवाज़ का टेंशन है कि भैया हमारी सील लीक कर गई या बैरिंग टूट रहे हैं, वो कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। आप लगाए, ये देखिए दोस्तों 4x4 में है, ये दोनों लीवर डाउन हमने करवा दिए आपके सामने, और परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, कोई भी कमी नहीं बता सकता इस ट्रैक्टर में किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस में। 9K 24 इंची टाइन वाला कल्टीवेटर, परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक है, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस, न्यू हॉलैंड 3600 देख सकते हैं दोस्तों, धमाकेदार परफॉर्मेंस भाई साहब, पूरा लीवर डाउन, पूरा कल्टीवेटर बैठा हुआ है देख सकते हैं, गजब। कोई भी लोड नहीं ट्रैक्टर पे, बहुत ही फर्स्ट क्लास चल रहा है देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। एक नंबर, पूरा लीवर बैठा हुआ है देख सकते हैं दोस्तों, गजब भाई साहब। ड्राइवर भी उतर चुके हैं, ट्रैक्टर बिल्कुल बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा भाई साहब, और केवल
सो दोस्तों, ये था आज का वीडियो न्यू हॉलैंड 3600 हेरिटेज एडिशन का। हमारे अंकल से आपने बातचीत करी। अगर इनसे आपको और बात करनी है, इनका नंबर चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ट्रैक्टर लेने में, तो नंबर मैं वीडियो में दे रखे हैं, उन पर कॉल करके किसान भाई से बात करनी है उनसे भी बात कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।